खूबसूरती की मिसाल डांसिंग की क्वीन और लोगों के दिलों में बसती है वो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटरीना कैफ के बारे में। इनकी एक्टिंग और जबरदस्त पर्सनालिटी की सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड दीवाना है। अपनी मुस्कुराहट से ही सभी को घायल करने वाली इस हसीना के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद आप ही नहीं जानते थे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस सुपरस्टार के बारे में कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ। कटरीना हाफ इंडियन और हाफ ब्रिटिश है। कटरीना का रियल नेम है कटरीना टर्कोट और इस नाम को आयशा श्रॉफ ने चेंज करवाया था बूम फिल्म के टाइम। उनके हिसाब से सरनेम कैफ हो तो याद रखना आसान होगा। कटरीना के सात भाई बहन है, तीन बड़ी बहन, तीन छोटी बहन और एक बड़ा भाई है कटरीना को। कटरीना को उनकी माँ ने पाला पोसा और वो अपने डैड से टच में ही नहीं है। कटरीना को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट महज 14 साल की उम्र में मिला और ये प्रोजेक्ट हवाई में मिला। साल 2004 में तेलुगु फिल्म मलेश्वरी के लिए कटरीना को 7.5 मिलियन मिले थे और ये अमाउंट उस टाइम में साउथ एक्ट्रेसेस में से सबसे हाईएस्ट पेड अमाउंट था। क्योंकि कटरीना को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी इसलिए फिल्म न्यूयॉर्क के टाइम तक उनकी आवाज को डब किया जाता था। उनकी डबिंग मोना गोश शेट्टी नाम की एक डबिंग आर्टिस्ट करती थी। कटरीना का हिट सॉन्ग चिकनी चमेली को 10 दिन के टाइम में शूट किया गया था। 10 का दम और कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज में से जो प्राइस मनी कटरीना ने जीता था उसे कटरीना ने मर्सी होम नाम के ऑफनेज को डोनेट किया था और ये ऑफनेज कटरीना की मॉम ही चलाती है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में से एक है कटरीना कैफ। कटरीना वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस है टू हैव अ बार्बी डॉल मॉडल्ड आफ्टर हर। कटरीना कैफ को महेश भट्ट की फिल्म साया में कास्ट किया गया था लेकिन उन्हें फिल्म से निकाल दिया क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। कटरीना के पास अभी भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो अभी भी यूके सिटीजनशिप पर है और वर्क वीजा पर है इंडिया में। फर्स्ट किंगफिशर कैलेंडर में अपियर होने वाली एक्ट्रेस थी कटरीना कैफ। धूम 3 के रोल की प्रिपरेशन के लिए कटरीना ने स्पेशली पिलाटे, फंक्शनल ट्रेनिंग और एरियल स्टेप्स की ट्रेनिंग ली थी। कटरीना ने साल 2017 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था और एक साल के अंदर ही उन्हें 12.4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स मिल गए थे। 2011 और 2013 की मोस्ट सर्च इंडियन सेलिब्रिटी थी कटरीना कैफ। फिल्म बर्फी की पहली पसंद कटरीना कैफ थी लेकिन कुछ रीजंस के कारण इलियाना डिक्रूज को कास्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले कटरीना माउंट मैरी चर्च, अजमेर शरीफ दरगाह और सिद्धि विनायक टेम्पल विजिट करती है। एक स्कूल बिल्डिंग के फंड रेजिंग के लिए कटरीना कैफ और एआर रहमान ने मिलकर एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था By the name Rhyme School in 2010। फेम पाने से पहले कटरीना डेली 16 घंटों तक भी काम करती थी टू मीट हर डेली एंड्स। कटरीना को पेंटिंग्स का काफी शौक है, उन्हें चेस खेलना भी बहुत पसंद है। फिल्म वेलकम में कटरीना ने जो ड्रेस पहना था वो 2 लाख की थी और ये ड्रेस कटरीना को एक फेमस इटालियन फैशन डिजाइनर एमिलियो पुची ने गिफ्ट किया था। कटरीना कैफ कभी स्कूल नहीं गई है बल्कि उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी और एक करेस्पोंडेंस कोर्स कर रही थी कटरीना, उनकी मां ने ही उन्हें पढ़ाया है। कटरीना
कैटरीना ने इंडस्ट्री में अपना करियर एज अ नॉन डांसर शुरू किया था, लेकिन अब वो बन गई है एक सुपर डांसर। फिल्म भारत के लिए सलमान खान हमेशा से ही कैटरीना कैफ को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर की पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा थी। फिर बाद में प्रियंका ने फिल्म को क्विट किया और ये कैटरीना के झोली में आ गिरी। रिपोर्ट्स के अनुसार कैटरीना कैफ रणबीर कपूर और सलमान खान को डेट कर चुकी है। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना ने कहा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और सलमान को लेकर उन्होंने कहा था कि सलमान उनके फर्स्ट ट्रू लव थे। कैटरीना कैफ अब अपनी बहन इजाबेल कैफ को भी बॉलीवुड में लाने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें एक फिल्म भी मिल गई है। कहा जाता है कि फिल्म जगह जासूस की रिलीज डेट और शूट इसलिए डिले हुई क्योंकि फिल्म शूट के दौरान रणबीर और कैटरीना ने ब्रेकअप कर लिया था। कैटरीना चाहती है कि उन्हें एक ऐसा सुपर पावर मिले जिससे वो लोगों का माइंड रीड कर सके। वेल, इनमें से कौन सा फैक्ट लगा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।